तो यार वो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो बताऊंगा कि जो बोर्ड की कॉपियां होती है 10th और 12th की, उन्हें एग्जामिनर कैसे चेक करते हैं। अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दबाइए इस घंटी के आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों 12th और 10th के विद्यार्थी को ये पता नहीं होता कि बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका चेक होने की क्या प्रक्रिया होती है। इस जानकारी के अभाव में कुछ विद्यार्थी रिजल्ट आने के बाद अक्सर यह कहते मिल जाते हैं कि बोर्ड रिजल्ट में जितने नंबर की उन्होंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा मार्क्स आए या कम मार्क्स आए। कुछ विद्यार्थी यह भी शिकायत करते मिल जाते कि उनके सब सही क्या मगर उनके नंबर बहुत ही कम मिले हैं। तो दोस्तों बताऊंगा कि बोर्ड कॉपियां कैसे चेक की जाती हैं। तो दोस्तों एग्जाम की उत्तर पुस्तिका चेक करने के लिए बोर्ड देश भर के केंद्रों में भेजता है और विभिन्न स्कूलों के अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति करता है। हर शिक्षक को प्रति कॉपी के हिसाब से पैसे दिया जाता है। तो बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद सभी उत्तर पुस्तिका एकत्रित की जाती हैं और उन्हें विभिन्न केंद्रों में चेकिंग के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों कॉपी को भेजने से पहले जो उत्तर पुस्तिका के नाम और रोल नंबर वाला पेज को हटा दिया जाता है, उसकी जगह पर एक गुप्त कोड लिख दिया जाता है जिसका पता सिर्फ बोर्ड के स्टाफ को ही होता है। इस प्रक्रिया द्वारा बोर्ड में यह सुनिश्चित करता है कि कॉपियां चेक होने में कोई बेईमानी ना की जाए। तो दोस्तों उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने वाले हर शिक्षक को एक मार्किंग स्कीम दी जाती है। इस मार्किंग स्कीम में हर पर्सन के उत्तर के लिए उत्तर संकेत या मूल्य बिंदु मौजूद होते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान जिस उत्तर में ये सारे उत्तर संकेत या मूल्य बिंदु मौजूद होते हैं। तो दोस्तों CBSE जैसे बोर्ड में हर उत्तर की स्टेप मार्किंग होती है। पूरे नंबर पाने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपने उत्तर में सभी जरूरी स्टेप दिए हों और कोई भी महत्वपूर्ण स्टेप आपने मिस ना किया हो। तो दोस्तों जिस आंसर की या वैल्यू पॉइंट का क्वेश्चन नहीं होता तो शिक्षक उस उत्तर में पूरे नंबर नहीं देता, भले वो उत्तर उसका ठीक ही क्यों ना हो। तो दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा इस चीज़ को। तो दोस्तों जैसे क्लास 12 का मैथ का पेपर है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों में साफ साफ पता चल रहा है अगर 3 जरूरी स्टेप जो लाल, हरे और नीले रंग अगर आपके उत्तर में मौजूद हैं और आपका फाइनल उत्तर सही भी है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने यह स्टेप सही किए हैं मगर अंत में उत्तर गलत दिया है तो आपके कुछ मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड कलर का इसमें 1 नंबर दिया गया है, उसके बाद जो ब्लू कलर में इसमें आधा नंबर दिया गया है, उसके बाद जो ग्रीन में इसमें भी आधा नंबर दिया गया है। दोस्तों आप भी उत्तर लिखते समय इस गलती का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो दोस्तों अब बताऊँगा कि जो विद्यार्थी सही उत्तर शीर्षक, उपशीर्षक, बुलेट पॉइंट्स और डायग्राम इत्यादि का इस्तेमाल करके उत्तर लिखते हैं तो उनके पूरे नंबर मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर उत्तर में बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं तो शिक्षक को जानकारी ढूंढकर निकालनी होगी। इस चक्कर में हो सकता है कि उत्तर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षक को ना मिल पाए। यह भी हो सकता है कि शिक्षक पूरे नंबर देने की जगह जल्दीबाजी में औसत नंबर दे। तो दोस्तों अब बताऊँगा कि कुछ विद्यार्थी यह गलतफहमी करते हैं कि अगर हम कॉपी को पूरा भरेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको किसी भी उत्तर में पूरे नंबर तभी मिलेंगे जब आपने उस उत्तर के द्वारा कम से कम शब्दों में सही एवं सटीक जानकारी दी हो, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो पूरी डिटेल से बता दिया है कि बोर्ड की कॉपी कैसे चेक की जाती है 12th और 10th की। तो दोस्तों अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो घंटी दिख रही है उसे भी दबा के जाना है। फिर मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।